हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओके क्लासेज में। फ्रेंड अपन आज बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक आपका है सरलीकरण का, ठीक है, सिंप्लीफिकेशंस। ओके, आपके 6 टॉपिक पहले हो सके जो अपन इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी, उसके अलावा आप अगर बता दें अभी जो आपके एडमिट कार्ड है वो आज तो जारी हुए नहीं, कल आपके एडमिट कार्ड क्या है जारी हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल के साथ बने रहें, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके फ्रेंड, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले प्राप्त हो सके। उसके अलावा वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर देना ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा आपको जो भी हमारी वीडियो के बारे में राय है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। ओके फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आपको होता है सरलीकरण, तो सरलीकरण पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ता है, बोर्ड मास। ओके, जो वोर्ड मास पढ़ना पड़ता है। ओके, तो वोर्ड मास का मतलब क्या होता है, बार, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट, ठीक है, ऑफ का क्या हो गया, डी से डिवाइड, मल्टीपल, एड और सब्सट्रैक्शन, ठीक है। सबसे पहले कोई बार अगर आपको क्वेश्चन दे रखा, उसके अंदर बार लगा रखा, उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद हम ब्रैकेट को, ठीक है, उसके बाद ही भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटा, ठीक है, ये याद रखना। अब करते हैं अपन, देखते हैं जैसे क्वेश्चन क्वेश्चन है, 3 + 8 - 5 + 4 - 2 + 2 + 1 और मंजिला कोष्टक, ठीक है। इसको क्या करना है, सोल्व करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको दिया गया है तो इस पर को कैसे करेंगे, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तीन है तो सबसे पहले छोटे कोष्टक को, 8 में से 5 गए तो 3 + 4 में से 2 गए तो 2, उसके बाद 2 और 1 3, फिर मंजिला कोष्टक, ठीक है। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंजिला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। छोटा कोष्टक हो गया, अब मंजिला कोष्टक बचा था, 3 + 3 = 5 - 3 = 8 - 3 + 8 कितने हो जाएंगे, 11, ठीक है। तो 11 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में एक बार वाला और देख लेते हैं, ये क्या बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन पहले बेसिक देख लेते हैं। कई बार क्या अपन बेसिक बेसिक के चक्कर में देखते नहीं है और फिर जो बड़ा क्वेश्चन होता है इसके अंदर कोई मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन जो हाई लेवल के वो क्वेश्चन भी यहाँ पर करेंगे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 80 + 60 - 50 - 60 - 30 + 20 और फिर छोटा कोष्टक है, फिर मंझला कोष्टक भी और बड़ा कोष्टक भी, ठीक है। इसको क्या करना, सोल्व करना है, और 30 और 20 के ऊपर क्या है, बार कोड, ठीक है। इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है, ये क्वेश्चन आपके पास। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, 80 + 60 - 50 - 60। अब क्या पहले किसको करेंगे, बार वाले अकॉर्डिंग, तो -30 एंड -20 क्या हो जाएगा, साठ माइनस पचास, ठीक है, 30 और 20। ये अब इसको पहले इन दोनों के अंदर देखो, अब जैसे वैसे करते हैं अपन, अगर अपने को बोर्ड मास नहीं पता तो पहले क्या कर लेते हैं अपन, 60 में से 30 घटाए 30 + 20 कितना कर देते हैं, 50 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अब 30 और 20 के ऊपर लगा हुआ है तो पहले 30 और 20 की ही करेंगे, नहीं कि ये माइनस आपको ध्यान नहीं देना इधर क्या है क्या नहीं है। 30 और 20 को जोड़ेंगे तो 50, ठीक है। 50 के बाद फिर क्या है बीच में, माइनस, ठीक है, 60 माइनस, फिर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये अपने को बोर्ड मास नहीं पता था, ठीक है, ये और फिर अपन क्या कर देते हैं, 60 - 30 या फिर 60 - 30 और 50, 60 में से 50 घटे 10 आ जाते हैं अपन, ठीक है। उसके बाद में 80 + 60 - 50 - 60 में से 50 गए थे कितने, 10, कितने में 10, उसके बाद में मंझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक, क्योंकि छोटा कोष्टक यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद में 80 + 60 - मंझला कोष्टक में 50 में से 60 10 गए तो 40, सॉरी यहाँ पर बड़ा कोष्टक, ठीक है, बड़ा कोष्टक यहाँ पर, उसके बाद में क्या आ जाएगा, 60 - 40 कितना हो जाएगा,
फिर 80 प्लस, फिर बड़े मतलब कोष्टक यहाँ से हट जाएगा, इसको सोल्व कर दिया अपन ने, यहाँ से छोटा कोष्टक को सोल्व कर दिया। उसके बाद में बड़ा कोष्टक का नंबर है 60 में से 40 गए तो 20 और बराबर 100, ठीक है। तो 100 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड, आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। एक बार रिपीट फिर देख लेते हैं, 30 और 20 के ऊपर अपने को क्या दे रखा है, पहले बार कोड दे रखा है, तो बार कोड को सोल्व करेंगे, बार कोड को सोल्व करेंगे तो 30 और 20 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 30 और 20 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद फिर छोटे कोष्टक को हटाएंगे, ऐसे ऐसे क्या करेंगे, फिर छोटे कोष्टक को हटाएंगे, छोटा कोष्टक हटाने के बाद फिर यहाँ से मंझला कोष्टक हट जाएगा, मंझला कोष्टक हट जाने के फिर एक कोष्टक बचेगा बड़ा कोष्टक, बड़ा कोष्टक को सोल्व आउट करने के बाद सो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सही 3/4 माइनस 3 सही 1/8 डिवाइडेड बाय 6 माइनस छोटा कोष्टक 2 सही 3/4 माइनस 11/12 छोटा कोष्टक, मंझला कोष्टक भी है और बड़ा कोष्टक भी, ठीक है, मंझला कोष्टक भी है, छोटा कोष्टक भी है और बड़ा कोष्टक भी, ठीक है। ये छोटा कोष्टक यहाँ पर, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सबसे पहले छोटा कोष्टक को ये यहाँ से करेंगे, तो इसको साधारण भी में बदलेंगे तो 4 3 7/4 माइनस बड़ा कोष्टक 25/8 डिवाइडेड बाई मंझला कोष्टक 6 माइनस। अब क्या करेंगे, छोटा कोष्टक को पहले क्या करेंगे सोल्व करेंगे, 11/4 साधारण भी में बटे 11/12, ठीक है। ये आपका क्या छोटा कोष्टक के अंदर दे रखा है, फिर मंझला कोष्टक है आपका, फिर बड़ा कोष्टक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप 7/4 25/8 डिवाइडेड बाय 6 माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या जाएगा, ये 12 ले लेंगे लघुत्तम इसका, 3 3 33 माइनस 11 कितना बचेगा 22, 22/12 काटेंगे क्या हो जाएगा 11/6 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 11/6 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अभी इसको इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं 11/6 रख सकते हैं, ठीक है। इसको सोल्व कर लेंगे, एक स्टेप में अपनी क्या हो जाएगी आगे बढ़ जाएगी, तो 11/6 यहीं रख लेंगे पहले, तो यहाँ क्या होगा 11/6। अब इसको सोल्व करेंगे 36 माइनस 11/6, ठीक है। तो 36 में से 11 जाएंगे तो कितने 25 25/6, इसकी जगह क्या रख सकते हैं अपन 25/6, तो क्या लिखेंगे 7/4 माइनस 25/8 डिवाइडेड बाई इसकी जगह 25/6 लिख सकते हैं अलग से अपन सॉल्व करके, तो 25/6 यहाँ बच गया बड़ा कोष्टक, यहाँ पर मंझला कोष्टक भी अपन क्या करते हैं सॉल्व कर दिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 7/4 माइनस इसको करेंगे 25/8 डिवाइडेड है तो क्या इंटरचेंज हो जाएगा, ठीक है। इंटरचेंज कैसे हो जाएगा 25/8 अपॉन 25/6 ये होगा, तो ये क्या हो जाएगा 25/8 ऊपर आएगा जो चेंज हो जाएगा 6/25, 25 से 25 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/4 क्या जाएगा 3/4 सेम याद कर देते हैं आगे। नेक्स्ट क्या होगा फिर 7/4 माइनस पहले माइनस इसका क्या है 3/4 फिर क्या हो जाएगा 4/4 अब 500 क्या हो जाएगा एक आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले सबसे पहले छोटे कोष्टक को, उसके बाद मंझले को, उसके बाद हम बड़े को कोष्टक इस प्रकार सॉल्व यहाँ पर करेंगे, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करिए, जरूर बताइए आपको कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा है या खराब लगा है, कि जैसा भी आपकी व्यू हो आप हमारे साथ जरूर शेयर करना, ठीक है। जिसके अंदर अगर कोई भी मिस्टेक हो तो इसको दूर किया जाए और वीडियो को अधिक से अधिक इम्प्रूव किया जाए, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स का 20% का 10% प्लस 5000 का 2% का 2.5% बराबर कितना है 92.84 है, ठीक है। यहाँ पर है एक्स का 20% का 10% प्लस 5000 का 2% 5000 का 2% का 2.5% कितना है 92.84 है, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है एक्स की वैल्यू फाइंड यहाँ पर करनी है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एक्स का है तो गुणा 20/100
इसका फिर 10/100 प्लस 5000 का कितना है 2/100 इंटू 25/1000, ठीक है 2.5 है, तो वहां पर दशमलव हटाएंगे तो जीरो क्या आ जाएगी नीचे, ज्यादा यहाँ पर आ जाएगी, कितनी है 92.84, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको, 20 से 20 कट गया, क्या आया 2x/100, ठीक है प्लस 2, यहाँ पर क्या आएगा 25 × 50 और 50 × 100, 10 पहले की है 1000, ठीक है 2x/100 + 1 हो जाएगा, ठीक है ये इसका क्या हो जाएगा 1 होगा क्योंकि 25 × 50 और 50 को 5 से करेंगे 125, 1250/1000 आ जाएगा, ठीक है एक बिंदु से एक बिंदु कट जाएगा 125/100 आ जाएगा, उसके बाद में आगे क्या आएगा यहाँ पर 9284/100, ठीक है 100 क्या आ जाएगा लघुत्तम आ जाएगा यहाँ पर, क्या ऊपर क्या बचेगा 2x + 125 = 9284/100, 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर आराम से। तो इसके क्या अपन कैलकुलेशन उसको क्या कर लिया यहाँ पर इजी कर लिए, उसके बाद में 2x + 125 = 9284 आ जाएगा, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 2x = 9284 - 125, ठीक है 9 और यहाँ पर 721 और 9 कितना आ जाएगा आपका 9159, ठीक है 9159 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर 125 यहाँ पर माइनस करेंगे तो उसके बाद क्या जाएगा यह आ जाएगा, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 9159/2, ठीक है 9159/2, तो यहाँ x की यहाँ पर वैल्यू फाइंड कर लेंगे अपन 8579.5, ठीक है 4579.5 आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 3×10^n = 345/23×5×1000 हो, तो n की वैल्यू आपको फाइंड यहां पर करनी, ठीक है तो क्या हो जाएगा 3×10^n, ठीक है 5 से इसको काटेंगे यहां पर 6 और 9, ठीक है 23 क्या हो जाएगा 69, तो ये क्या हो जाएगा 3×10^n = 1000×3, 3 से 3 कट जाएगा 10^n = 10^3, ठीक है 10³ क्या होती है 1000 होती है, तो आधार समान ऊपर मैंने आपको भिन्न में पढ़ाया था, आधार समान है तो बातों के बराबर हो जाएगी, आपने से बराबर हो जाएगा 10 बराबर क्या हो जाएगा 3 आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक व्यक्ति कुछ राशि अपने 3 पुत्रों में इस प्रकार बांटता है कि पहले पुत्र को 1/5 भाग, ठीक है पहले को 1/5 भाग देता है, ठीक है जी, दूसरे पुत्र को 1/4 देता है और तीसरे पुत्र को 6600 रुपए देता है, तो उस व्यक्ति के पास कुल कितना धन था, ठीक है माना कितना धन है उसके पास एक्स, कितना है एक्स है, पहले को कितना दे दिया x/5, दूसरे को x/4, ठीक है एक को दे दिया x/5, एक को x/4 और तीसरे को क्या है उसका डिवाइडेशन ने देकर धन दे रखा कितना है 6600 रुपए, ये किसके बराबर हो जाएगा टोटल आपका अमाउंट एक्स के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि टोटल अमाउंट आपके एक इन तीनों से मिलकर तो हो रही है कि एक को तो उसका कुल का 5वां हिस्सा दे रहा है, एक को 4वां हिस्सा दे रहा है और एक को 6600 रुपये डायरेक्ट अपने को दे रखा है 6600 रुपये दे रखा है, ये सब मिला के किसके बराबर है ये एक्स के बराबर है, ठीक है। उसके बाद सोल्व करेंगे अपन इसको 5×20, ठीक है तो 5×4x + 5x (9x)/20 + 6600 = x, ठीक है तो 6600 = x - 9x/20
बीस बीस एक्स माइनस नौ एक्स बटे बीस बराबर 6600 कितना आ जाएगा, 11x बटे 20 बराबर 6600, 600x बराबर 12000 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो उसका टोटल अमाउंट इसके अंदर क्या पूछा आपको, जो व्यक्ति है उसकी टोटल राशि पूछी है, तो कितनी है 12000 है। अब इसका जैसे आपको पूछ ले एक का बताओ, तो 12000 का 1/5% याद कर देना, 5×10 = 1400, 2400 रुपये होगा इसका जी, ठीक है। इसका पूछ ले आपको 3000 होगा इसका, और 6600 इसका है, 6600 क्या इसका पहले से है, ये टोटल तीनों मिला क्या हो जाएंगे 12000 हो जाएंगे, ठीक है। 2400 फर्स्ट का हो जाएगा, 3000 सेकंड का, जो अगर 6600 आपको पहले दे रखा है इसको टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा 12000 हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं अपन नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, किसी छड़ में 1/10 भाग पर क्या है, रेड कलर है, ठीक है, 1/20 भाग पर है नारंगी, 1/30 भाग पर है पीला, 1/40 भाग पर हरा, 1/50 भाग पर है नीला, 1/60 भाग पर है काला, और शेष भाग पर क्या है बैंगनी रंग है, से रंगा जाता है। छड़ के बैंगनी रंग के भाग की लंबाई 12.08 है, ठीक है, जो बैंगनी रंग है उसके रंगने की उसकी कितनी है 12.08। तो पहले क्या मान लेते अपन, टोटल मान लेते कितनी x है, उसके अंदर से अपन ये सब हटा दें, ठीक है, इसको पूरे को हटा देंगे, इन सब को माइनस कर दें, तो क्या है बैंगनी की, बैंगनी अकेले की बचेगी, क्योंकि और सभी रंगों की तो अपन ने घटा दी, बैंगनी अकेला रंग बचा उसकी बचेंगी, तो क्या करेंगे x माइनस x/10 प्लस x/20 प्लस x/30 प्लस x/40 प्लस x/50 प्लस x/60, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस 49x अपन 2000 151/200 भाग। अब ये 151/200 भाग किसके बराबर होगा, ये आपको दे रखा है इसके अंदर, बैगरी रंग के भाग की लंबाई 12.08 है, तो किसके बराबर कर दो इसको 12.08 के बराबर कर दो, क्योंकि अपन ने उसकी पूरी छड़ की पूरी लंबाई तो x मान ली, ठीक है, x में अपन ने उसको लाल भी हटा दिया, उसके अंदर से नारंगी भी हटा दिया, पीला भी हटा दिया, हरा भी हटा दिया, नीला भी हटा दिया, काला भी हटा दिया, अब बचा क्या, बचा कौन सा, बैंगनी अकेला बच गया, क्योंकि और सभी जो रंग थे उसने अपन ने इसके अंदर से माइनस कर दिए, तो अकेला कौन सा बच गया, बैंगनी दे बच रहा, और बैंगनी को अपन ने क्या दे रखी, लेंथ दे रखी है, तो ये है ये इसके बराबर हो जाएगी, जो बैंगनी का जो हिस्सा बचा है वो बैंगनी की लेंथ दे रखी उसके बराबर ही होगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, एक्स का मान 16 मीटर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका √289/(x)1/5, एक्स का आपको क्या करना है इसके अंदर मान ज्ञात करना है, ठीक है। 289 किसका है, 17 का है, बटे √(x)(1/5), √(x)85, वर्क करने पर x = 85 का क्या करेंगे, वर्क करेंगे, तो मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, जब लास्ट में 5 हो या इकाई इनको कहीं 10 हो रहा तो क्या करेंगे, और जो डाइट अंक है वो सेम हो तो 5 5 25, 8 से अगला क्या है 9 72 25, आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक से अपन कर लेंगे, जो सबसे फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था मल्टीपल संख्या पद थी उसके अंदर देख सकते हैं, जब इकाई का इनको 5 हो या इकाई के इनको का जो जोड़ है 10 बन रहा हो और डाइट अंक समान हो तो क्या कर लेंगे, तो 5 है इसका तो क्या कर देंगे 25, ये ऐसे हो जाए 84 और 86 को करना, ठीक है, तो यहाँ इकाई कहीं 10 बन रहा है तो इसको इकाई, इसको इकाई को इकाई से कर देंगे तो 6 24 और 8 से अगला 9 72, ठीक है, 24 आपका इसका क्या हो जाएगा सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा फिर जैसे 5 5 25 हो जाएगा, 8 से अगला क्या है 9, तो 8 को 9 से करेंगे तो 72,
इसका करेक्ट आंसर 72 7225 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 0.25 × 0.25 − 0.24 × 0.24 / 0.49। इसका आपको क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, 0.25 × 0.25 − 0.24 × 0.24। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0.25 ² − 0.24 ²। ठीक है, 0.25 ² / 0.25 / 0.49। तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर नहीं हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन इंटू ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी कैसे हो जाएगा, 0.25 को 0.24 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0.49 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ए का मान कितना है 0.25 और बी का मान क्या है 0.24। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, ए प्लस बी। इसीलिए यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना आपको, जैसे यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मैंने आपको जो बीजगणित संकर है उसमें बता दी, क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। और 0.9 क्या बन सकता है, ए प्लस बी बन रहा है, ए प्लस बी कैसे बन रहा है, मैंने आपको अभी बताया था, जो 0.25 को 0.24 से ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 0.49 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 0. ये ए प्लस बी तो इससे कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, ए माइनस बी, ए का मान कितना 0.25 − 0.24, 0.01 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अब नेक्स्ट, ऐसे आपको स्क्वायर वाले देखते हैं, उसके अंदर आपको सबसे पहले बीजगणित जो भी संक्रिया लगा के देखना है, शायद उससे इजीली सॉल्व हो जाए। ठीक है, नहीं आपको क्या करते हैं, यहाँ पर 0.25 का पहले आप वर्क करते हैं, फिर 0.24 का वर्क करते हैं, फिर इसको 0.49 का भाग देते, जिससे क्या है काफ़ी समय आपका स्पेंड हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका 6 * 1/4 × 0.25 + 0.75 − 0.3125। इसका मान याद करना है। ठीक है, इसको करेंगे तो 25/4 हो जाएगा, 6 × 24 = 25 × 6.25 + 0.75 − 0.3125। ओके, जब इसको काटेंगे अपन, काटेंगे इसका क्या हो जाएगा, 1.5625 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 0.75 − 0.3125, इसको सोल्व करेंगे तो क्या, दो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, इसको 4 से काट लेंगे, फिर 25 से गुणा करेंगे तो 1.5625 आएगा। उसके बाद ये है, इसको जब सोल्व आउट करेंगे तो दो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलह की पावर 0.16 × 2 की पावर 0.36 है वो किसके बराबर है, किसके बराबर है। ठीक है, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 16 की पावर अगर आप, सोलह की पावर 16 / 2 की पावर 36/100। ठीक है, तो 16 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितने हो जाएंगे, 16 × 16/100 × 2 की पावर 36/100। इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 4 × 16/100। ठीक है, 4 × 16/2 16/100, जब इसको काटेंगे तो 16 कितना आ जाएगा, ये 16/25 × 2 ×
पावर 36/100 पहले है, 36/100 इसके अंदर पहले है, जब इसको काटेंगे तो क्या जाएगा 9 × 25, तो 2 की पावर 16/25 गुणा 2 की पावर 9/25। आधार समान और पर क्या होते हैं, घाते क्या होती है, जुड़ती हैं। 2 की पावर 16/25 + 9/25 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 16 और 9 25, 25/25 यानी 2 की पावर 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले साधारण मीनिंग बदलेंगे, उसके बाद 16 को क्या लिख सकते हैं अपन, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो घात के ऊपर घात होती है तो इंटू हो जाती है, तो 4 इसके गुणा में चला जाएगा। इसको काटेंगे तो 16/25 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 9/25 आ जाएगा। आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 16 और 9 25, 25/25, 2 की पावर 1 का मान 2 होता है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99 + 2/7 + 99 + 3/7 + 99 + 4/7 + 99 + 5/7 + 99 + 6/7। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, मान ज्ञात करना है। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए 1 2 3 4 5 6 टाइम क्या है 99। ठीक है, 6 × 99 × 1/7 + 2/7 + 3/7 + 4/7 + 5/7 + 6/7। ठीक है, 6 × 99 = 7, इसका क्या होगा, लघुत्तम आ जाएगा ऊपर 1, 2, 3, 6, 10, 15 और 6, 21 21/7, 6 × 99 × 3, 18 × 99। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सॉरी यहां पर प्लस है पहले, ये प्लस हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 597 आपका क्या, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज अपन ने मोस्टली इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन यहाँ पर कवर अप कर लिया, उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में और कर लेंगे। ठीक है, एक वीडियो और जो सरलीकरण का उसका रख लेंगे, उसके बाद में लाभान्वित प्रतिशत ये स्टार्ट करने वाले। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मैं बताना जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा हो। उसके अलावा अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दो ताकि उनको बेनिफिट मिल सके। उसके अलावा सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन प्लस जो अपना ये इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी का सिलेबस चल रहा है इसका बेनिफिट ले सके। उसके अलावा एसएससी जो कि लास्ट 12 इयर्स की जो क्वेश्चन है उसकी एक सीरीज अलग से अपन स्टार्ट कर रहे हैं रोज सुबह 5 बजे, तो उसको भी जरूर आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड, फिर मिलते हैं नई वीडियो साथ, तब तक ले जय हिंद जय भारत।